दिल्ली में कल मेयर चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी की मेयर प्रत्याशी शिखा राय ने तमाम तरह के आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि मेयर का जो काम होता है उस पर दिल्ली सरकार कब्जा करना चाहती है। मैडम, आपका कहना है कि PWD के अधीन जो सड़कें आती है जो उसको लेना चाहती है जो MCD के अधीन सड़कें आते हैं, क्या है? जी, 60 फीट के ऊपर की जितनी रोड्स आती हैं उसके लिए जो है दिल्ली सरकार से पत्र आया है कमिश्नर को कि आप वो सारी रोड्स जो हैं फॉर एवरी पर्पज़ हर तरह के काम के लिए हमारे हवाले कर दीजिए, जबकि उस पर साफ़ सफाई का काम, उस पर इंक्रोचमेंट का काम, उस पर एडवर्टाइजमेंट का काम, उस पर पार्किंग का काम दिल्ली MCD करती है। तो इस तरह से सीधे सीधे ये मांग करने का अर्थ यही है कि दिल्ली सरकार MCD के अधिकारों का हनन कर रही है, जो उसके ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ हैं वो भी पूरा करने में रोक लगा रही है और कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि उनकी महापौर इन सब कामों को करने में असमर्थ हो रही हैं, जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पा रही है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को इसको सौंपने का काम किया। आपको लगता है कि शैली ओब्राय एक कठपुतली बनकर सिर्फ रह गई? देखिए, हमने तो कल भी यही देखा, शायद शैली जी को ये मालूम नहीं था कि MCD के स्कूलों में ऑलरेडी PTMs, मेगा PTMs होती हैं, होती रहती हैं। तो जैसे उन्होंने कल ये ऐलान किया, जैसे कि पहली बार ऐसा हो रहा है, और वो नहीं कर पा रही हैं दिल्ली सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर कर पा रही हैं। हमें तो कल की उनकी जो कॉन्फ्रेंस है उससे यही महसूस हुआ कि उनके क्योंकि बस की नहीं है महापौर के, इसलिए दिल्ली सरकार की मंत्री जो है उनकी देखरेख में ये सारा काम हो रहा है। कल दिल्ली में मेयर के चुनाव होने वाले हैं, आपको BJP ने इस बार प्रत्याशी बनाया है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बहुमत में आप हैं नहीं, पंगा लेना चाहती है BJP। देखिए, शब्द कोई भी इस्तेमाल कर ले, किसी भी चुनाव में भाग लेना हमारा अधिकार है और हम उसमें प्रयास ही कर सकते हैं, प्रयास करेंगे, कर रहे हैं, निर्णय जो भी रहे। तो कल स्टैंडिंग कमेटी को भी लेकर जो जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला ये फंसा हुआ है, तो आपको लगता है कि इस पर भी जो कोर्ट का रुख किए हैं आप लोगों में, इस पर भी सुनवाई होगी? कहाँ पर सुनवाई तो कोर्ट में चल रही है, तो उस पे लेकर आप, लेकिन बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करने की, कि जोन कमेटियां बना करके जो मेंबर्स आने हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी को पूरा होना है उस पे तो काम होना चाहिए ना, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। कल लगता है कि शांति से मेयर चुनाव पूरा हो? हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ शांति से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शिखा राय, जो BJP से मेयर प्रत्याशी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कल मेयर के चुनाव होने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि शांति से चुनाव हो, नतीजा चाहे किसी के पक्ष में हो।